बच्चों मैं देख रहा हूँ कई बच्चे बीच में ज्वाइन करके तुरंत लेफ्ट इसलिए हो जाता है कि सर हमारी अटेंडेंस हो गई है, ये दिमाग में रखना बच्चों, मुझे लास्ट तक बच्चों का अटेंडेंस चाहिए, इधर ध्यान, कोई भी बच्चा ऐसे छोड़े नहीं, क्योंकि हर टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, कोई इस तरह से नहीं भाई मैं मोबाइल फ्री होकर चला लूंगा, ये एक्चुअली इधर सब नजर आता है कौन बच्चा क्यों मैं कौन बच्चा लेफ्ट कर गया, इसलिए कोई बच्चा ना मुझे पूरा अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको ग्रेडिंग खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे बढ़िया सरगम देखिए आप कैसे
इससे देखो फीलिंग इतना स्मूथ चलती है दे ये सरगम बच्चों इसीलिए हम करवाते हैं कि कम से कम आपको इसका स्पीड मेंटेन हो और आपको स्वर का नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि मानो जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको गर ऐसा कि गर के नीचे जी आएगा, हर गाने में जी आएगा, ऐसा नहीं। ये स्वरों का उच्चारण है सा रे ग, ये ऊंचाई है सा रे ग म प म ग रे स, चढ़ाव उतराव आ, ये चढ़ाव है आ स्वरों का उतार चढ़ाव भी। ये बस ये तो हमारा इसको स्वर का नाम दे रखा है, बाकी स्वरों का दूरी पता लगाना ही इन सात स्वरों में है। सा प जैसे सा रे सा ग सा म सा प, ये देखिए सा सा प सा करने के लिए हमको अभ्यास करना जरूरी है। स्वरों की दूरी के बारे में जानकारी करना ही सरगम का मेन उद्देश्य होता है, नहीं तो उतार चढ़ाव कहां से गाना बजाना केवल बच्चों टोटल उतार चढ़ाव है, स्वरों का उतार चढ़ाव ही स्वर उतार चढ़ाव लय बद्ध ये ही संगीत और कुछ नहीं। ठीक है, जब तक आपको जब भी गाए स्वराभ्यास पक्का करें, स्वरों का मजबूती करें, स्वर को अपना बनाए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये फायदेमंद होगा। नहीं गाने को बेसुरा कौन बोला जाता है, अगर स्वर पूरे नहीं लगेंगे स्वर सारे प, जबकि ये मैं बोलो लग रहा है स्वर को मैं बोल रहा हूं पर तो सारे प ये स्वर उतार गए, ये सही स्वर नहीं, सही सारे गरे सारे सागर सामा गरे सागर। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक ये गीत को पहले गवा कर जाता हूं, हम सब एक साथ गाएंगे, अपना माइक म्यूट कर लीजिए और इस गाने को पूरा गाएंगे, ताकि उसके बाद फिर मैं नोटिस बताऊं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। Oh,
जैसे मैंने 1200 लिखे बच्चों, पहला दो रे होते हैं, दो ग होते हैं, दो म होते हैं, और दो ध होते हैं, दो नी होते हैं, क्लियर। अब जैसे आगे लिखेंगे फिर वो ये वाले जो सा लिखेंगे ये बिंदी वाला सा होता है, ता सा, इसको ता सा बोलते हैं, मतलब मूल स्वर होता है 12। उसके बाद सेम सीक्वेंस आगे चालू जाएगी पूरा सारे रे, ये अगर ये होता है ये वाला चालू जाएगा, पर इन सब में बिंदी लगती जाएगी, ये मध्य शब्द के स्वर हो जाएगा, ठीक है ना, इसे पढ़ते जाएंगे। देखिए तो अभी क्या है, ये हम कहीं भी इस कीबोर्ड में बच्चों कहीं भी हाथ रखें, हर जगह सा है, पक्का। देखिए मैं कहीं भी सा रखें उससे दूसरा शब्द कौन सा होगा, चाहे व्हाइट आए या ब्लैक आए, हम चाहे नीचे से बजाएं, इसके बाद अगला कौन सा सुर आ रहा है, ब्लैक। सेकंड नंबर का स्वर क्या होगा, कोमल दे, ये दिख रहा। तीसरा स्वर मान लो जैसे ये, इसके नीचे का स्वर व्हाइट, कोमल रे, फिर ब्लैक आ रहा है, ये शुद्ध रे, फिर व्हाइट आ रहा है, कोमल ग, फिर शुद्ध ग, फिर म, फिर तीव्र म, ठीक है। इस तरह से पूरा कहीं भी उंगली रखोगा, चाहे ये दबाओ पहला, दूसरा कोमल दे, तीसरा शुद्ध दे, इस तरह से। तो अभी इसमें क्या लिख रहा है, ग, कोमल ग, कोमल ग कौन सा, इसमें सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, ठीक है। इस पूरे गाने में बच्चों कोमल ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके नीचे आड़ी रेखा खींची जा रही है, इसमें पूरे गाने में कोमल ग का प्रयोग हुआ है, आ रही मेरी बात समझ में। देखिए ये सांप, इसका ग कौन सा हुआ, कोमल ग, ये वाइट कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, ग रे सा, देख रहे हो। इस देश का मतलब ग, आगे तो देश का मतलब ग, ग, आ रही मेरी बात समझ में, ग ग मतलब कहीं भी हो, जैसे कल क्या आ, एस का मतलब आकार ग, क्या हो, क्या हो, अरे बस सुनिए, सफर फर, ये दोनों स्वर एक, सफर सा सा, ये ग ग, ये आ गया ग, इसलिए ठीक है ना, सेम वही दबा रहे हैं, दबाए रखना है, यस ऊपर जिसके जो वर्ड है वो ही वर्ड निकलना चाहिए, गरे सा को दबाया आनंद क्या है, जिंदगी की गर, गरे सा एक सफर, सा है सुहाना, सारे गामा, अरे बात समझ ले, है सुहाना, है सुहाना, गामा किसने जाना, क्लियर, किसने। अब ये नीचे नीचे जो बिंदी आ रही है बच्चों, तो नी कौन सा होगा, ये मंत्र सत्तर का स्वर अगर नी, जहां से हम बजा रहे हैं उसके इस साथ सारे ये होता मध्य सत्र, इसके स्वर में कोई चिन्ह नहीं होता ऊपर नीचे, इधर जहां से हम बजा रहे हैं उसके ऊपर का स्वर मंद्र सप्तक, तो मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बच्चों बिंदी लगाई जाती है, बिंदी लगा दी जाती है, ये सभी स्वरों के नीचे बिंदी लग जाए तो मंद्र सप्तक का मतलब इससे ऊपर वाले स्वर हो गए, यहां से हम गाना बजा रहे थे इसके ऊपर के सा नी दा पा मा गा रे सा, तो ये मंद्र सप्तक हो गया, सा रे गा मा पा दा नी सा, मध्य सा रे गा मा पा, ये ता सप्तक, क्लियर। तो ये देखिए गा रे सा,
और नई बात, ये तो दो सेम ये लोकेशन बजाओ या ये रहा। देखो इसका एक लोकेशन है पापा सा पापा मजा पड़ना हो ऊपर का देखना सेम मित्र ऐसी बात जिंदगी ऐसी बात सारे की बच्चों इसी तरह से आएगा चांदता पापा सा पापा सा हंसते गाते लेकर आप कोई शक नहीं बच्चों कॉपी को लेकर पूरा आप